Hey, hello friends, welcome to Vidya Mandir Academy. So today we are going to learn the exercise 1.1. अभी तक हमने composite function देखा है. Composite function में आपने chain rule सीखा है और chain rule के बाद ये जो है उसके basis के ऊपर chain rule के basis के ऊपर ये exercise 1.1 में solve करना. So first question लिखना है उसका differentiate with respect to x. Question number one. Differentiate with respect to x. Okay, first question is that x cube minus 2x minus 1 to the power 5. Okay, this one is the first question. आपको इसको सॉल्व करना है. कौन सा x cube minus 2x minus 1 to the power 5 with respect to x. So यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है differentiate with respect to x. कोई गेट आपके पास एक फंक्शन है, राइट? इसको आप सपोज y बोलो, y इज इक्वल टू, तो इसको डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy / dx. इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x dy / dx इक्वल टू dy / dx ऑफ dy / dx ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करना है. ओके, तो ये आएगा x टू द पावर 3 - 2x माइनस 1 टू द पावर 5. तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, x रेस्ट टू n का डिफरेंशिएशन आता है n इनटू x रेस्ट टू n माइनस 1, राइट? सो 5 माइनस 1 दैट इज 5 इनटू x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4 इनटू, ये तो हो गया, और इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे d by dx of तो ब्रैकेट एस इज x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, राइट? इसका डिफरेंशिएशन बाकी था तो वो भी करना है. सो कितना है इसका डिफरेंशिएशन इनटू इसका आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2 माइनस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आएगा 0. सो आपका dy / dx कितना आने वाला है, दैट इज dy / dx इज इक्वल टू दिस 5 इनटू x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट टू द पावर 4 इनटू सेकंड ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2. आया समझ में? आपको फर्स्ट क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फार्मूला कौन सा, x टू द पावर n dy dx ऑफ x टू द पावर n. इसका फार्मूला सब लोगों को मालूम है क्या है, वो n इनटू x टू द पावर n माइनस 1. सो अप्लाई दिस फार्मूला हियर एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेट आल्सो. सो ये आएगा फाइनल आंसर. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Now see the second question. Second one is bracket 2x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 4 by 3 minus 5 bracket to the power 5 by 2. So this is the second question. How to solve this second question? So इसको हमें differentiate करना है. First क्या करना है, y हैज़ करना है इसको. Y is equal to in bracket 2x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 4 by 3 minus 5 bracket to the power 5 by 2, right? इसको हमें क्या करना है, differentiate करना है. Differentiate with respect to x. With respect to x we get, अगर मैं इसको differentiate करता हूं तो इसका क्या आएगा, dy / dx, that is dy / dx equal to d by dx of which जो bracket as is लिखना है अंदर 2x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 4 by 3 minus 5 bracket to the power 5 by 2 bracket close, right? So dy / dx is equal to x to the power n. इसका differentiation कैसे करोगे आप, according to this formula. So n means one yahan pe 5 by 2. So 5 by 2 into bracket as it is 2x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 4 by 3 minus 5 bracket to the power of the 5 by 2 minus 1 bracket close, right? Bracket close. Nahi to koi karne ki zarurat nahi. Into
इसका भी डेरिवेटिव v by dx of मैं नीचे लिखता यहाँ पे into v by dx of इसका डेरिवेटिव लेना है 2x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 4 by 3 minus 5 ओके इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा सो कितना आएगा तो वो आएगा फर्स्ट ब्रैकेट में आंसर इसमें आपको 5 by 2 into that is dy by dx equal to 5 by 2 in bracket as it is only क्या करना है subtraction ऊपर power का 2x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 4 by 3 minus 5 5 by 2 minus 1 right ना कितना होता है that is 5 minus 2 1s are 2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2 सो आएगा 3 बाय 2 सो यहां पे लिखा है आपको 3 बाय 2 इनटू इनटू क्या इसका डिफरेंशिएशन इनटू सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है इसका भी इसका भी सो मैं क्या करता हूं डायरेक्टली d बाय dx ऑफ 2x टू द पावर 3 बाय 2 माइनस d बाय dx ऑफ 3x टू द पावर 4 बाय 3 माइनस d बाय dx ऑफ 5 right now in sub differentiation so first bracket as it is dy by dx equal to 5 by 2 into 2x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 4 by 3 minus 5 to the power 3 by 2 iska differentiation karna hai to kya karna hai aapko formula apply karna hai so ye kitna hai hamare तो 3 by 2 नीचे उतर जाएगा 3 by 2 2 into first 3 by 2 नीचे into 2 as it is x to the power कितना करना है आपको 3 by 2 minus 1 minus इसका डेरिवेटिव लेना है so 4 by 3 नीचे उतर जाएगा 4 by 3 into 3 x to the power 4 by 3 minus 1 constant का डेरिवेटिव 0 होता है लिखने की जरूरत नहीं therefore dy by dx equal to 5 by 2 2x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 4 by 3 minus 5 to the power 3 by 2 into iska dekho this 2 to get cancelled so bachega only 3x to the power 3x to the power 3 by 2 minus 1 means 3 2 1 the 2 3 minus 2 means aega 1 upon 2 right minus 4 by 3 by 3 3 get cancelled 4 x to the power 4 by 3 minus 1 so 4 3 1 the 3 4 minus 3 2 kita inga 1 upon 3 okay so this is the final answer itna of kya aega final answer aega 3 by 1 is equal to 5 by 2 into this bracket to the power 3 by 2 into 3x to the power 1 by 2 minus 4x to the power 1 by 3 this is the answer of second question okay I hope aapko samajh mein aaya hoga bahut easy only yahan pe formula ko se apply kiya har jagah pe yahan pe formula apply kiya humne is wale question mein n x to the power n minus 1 x raised to n ka derivative n into x to the power n minus 1 okay chalo to hum next question dekhte hain question number 3 under root x square plus 4x minus 7 right this is the fourth question isko hume solve karna hai wo kaise solve karna hai same differentiate karna hai usko pehle to assume karo y is equal to one y is equal to aapke paas jo function hai x square plus 4x minus 7 under root mein right तो इसको डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट अगर हम डिफरेंशिएट कर लेते तो क्या आ जाएगा पूरा इसको डिफरेंशिएट करना है dy / dx इक्वल टू dy / dx ऑफ इसका डेरिवेटिव लेना है root of x square plus 4x minus 7 राइट इसका डेरिवेटिव लेना है दैट इज dy / dx equal to
यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, आप सब लोगों को फॉर्मूला भी मालूम है, कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ और रूट एक्स का फॉर्मूला है, तो अब क्या आना उसका डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स, राइट ना, प्योर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, सो क्या है दैट इज वन अपॉन टू रूट एक्स, रूट एक्स मीन्स टोटल क्वांटिटी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन इंटू अंडर रूट में जो है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या क्या अंडर रूट में वो मैं फॉर्मूला रफ कर दिया हूँ समझ में आया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, ओके सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा टू एक्स टू पावर वन लिखने की जरूरत नहीं, फोर एक्स का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स को प्लस फोर में कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है हर बार, ओके सो नेक्स्ट क्या करना है आपको जो टू एक्स प्लस फोर है मल्टीप्लाई वो न्यूमरेटर पर रहेगा एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, ओके टू बाहर है तो आप बोलोगे कि ओके ऐसा है, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फिर मैं ऊपर लिखता वन इंटू दिस तो एज इट इज आएगा टू एक्स प्लस फोर, सो टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, राइट तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टू है यहाँ पे फोर है दोनों की क्वांटिटी टू से डिविजिबल है दैट्स व्हाई टू इज कॉमन है, यहाँ से हम टू को कॉमन निकाल सकते हैं, सो अगर मैं टू को कॉमन निकालता तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू को कॉमन निकालता अंदर बचेगा एक्स प्लस टू से डिवाइड करना है तो आएगा टू, ओके डिवाइड बाय टू इंटू अंडर रूट x square plus 4x minus 7, so 2 to get cancel, so बचेगा अपना आंसर only dy by dx is equal to x plus 2 upon square root of x square plus 4x minus 7, so this is the final answer of question number 3, इसी तरीके आपको सॉल्व करना है कि composite function, okay? मैंने directly method 2 से सॉल्व किया है, method 1 use नहीं किया है. Okay, so this is the final answer. Now, question number 4. It is equal. So, question number 4, they can give. So, question number 4, they can give. So, question number 4 is that under root x square plus under root of x square plus 1, okay, given question is that under root x square plus square root of x square plus 1, so हमने तो पहले क्या करना है इसको y is equal to लिखना है y is equal to under root x square plus 1, okay, तो इसको क्या करना है differentiate, so differentiate with respect to x we get, आप अगर इसको differentiate कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा that is इसका derivative dy by dx is equal to d by dx of इसका derivative under root of x square plus root of x square plus 1, okay इसका derivative, चलो तो फिर हम देखेंगे इसका derivative क्या आता है that is dy by dx equal to d by dx of this bracket, अभी आपने देखा था कि जो बड़ा वाला स्क्वायर रूट है इसके अंदर का जो क्वांटिटी उसको x अज्यूम करो, सो मैंने अभी बताया था आपको रूट x का फॉर्मूला क्या है dy dx of रूट x अगर आपके पास है तो उसका आता है 1 upon 2 रूट x, राइट सो 1 upon 2 रूट x मींस इसका डेरिवेटिव कितना आने वाला है 1 upon 2 रूट ऑफ
square plus 1 but derivative lena padega into iska derivative ye jo first under root hai uske andar jitna bhi quantity hai us sab ka derivative lena padega into d by dx of x square plus square root mein x square plus 1 ओके तो इसका भी डेरिवेटिव हमें लेना है दैट इज dy / dx इक्वल टू 1 / 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू सेपरेट डेरिवेटिव लेना है डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 x से एक्स्ट्रा हो जाएगा लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली करो आप x square का डेरिवेटिव कितना आएगा दैट इज 2x प्लस x square plus 1 अंडर रूट में उसका डेरिवेटिव कितना होगा अंडर रूट x का डेरिवेटिव मालूम है आप लोगों को 1 / कितना आता है वो 2 रूट ऑफ x square plus 1 बट आपके पास ओनली x नहीं x square plus 1 है तो इसका भी डेरिवेटिव इनटू d / dx ऑफ x square plus 1 ओके इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको x square plus 1 का सो कितने आना है that is dy / dx dy / dx equal to 1 / 2 under root x square plus 1 into right now 2x plus 2x plus 1 / 2 root of x square plus 1 into ओके इसका डेरिवेटिव कितना था x स्क्वायर प्लस 1 का x स्क्वायर का आएगा 2x प्लस 1 का 0 नहीं प्लस 1 का 0 आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है ओके ये 2a टू के कैंसिल इन दोनों को कैंसिल किया मैंने ये और ये नहीं किया क्योंकि इन दोनों में प्लस है इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है इन न्यूमरेटर को जाएगा डिनोमिनेटर में सो 2 टू के कैंसिल हो गए तो रिमेनिंग आंसर क्या बचेगा आपके पास दैट इज dy / dx इक्वल टू 1 / 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2x प्लस x इनटू 1 तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 राइट सो दिस इज द फाइनल आंसर ओके ये हुआ आपका फाइनल आंसर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो आगे भी कर सकते हो ओके 2x into x square plus 1 under root में plus x denominator as it is ऐसा भी कर सकते हो आप थोड़ा सा expand करोगे तो भी चलेगा no problem but final answer याद तक करने को कर लिया तो भी चलता है कोई problem ओके so this is the answer of fourth question I hope आपको समझ में आया होगा so next question देखने जा रहे हैं हम question number 5 चलो हम क्वेश्चन 5 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट क्वेश्चन नंबर 5 3 / 5 * क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर - 7x - 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 इसको हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है सो इसको क्या करेंगे हम पहले y लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 / 5 * क्यूब रूट ऑफ 5 * क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर - 7x - 5 ब्रैकेट टू द पावर ऑफ 5 इसको हमने ऐसे लिखेंगे y और इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है सो सिंपली हमें लिखना है यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स से डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा वो भी लिखना है चलो तो हम देखेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं इसमें ऐसा दिख रहा है डिफिकल्ट है बट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं एकदम सिंपल सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वही एट बोलो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा इसका dy / dx dy / dx इक्वल टू dy / dx ऑफ
इसका डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही देखो 3 अपॉन 5 टू क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर 5 राइट माइनस 5 टू द पावर 5 सो इसको कैसे लेंगे आप देखिए अगर आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हो तो पहले कांस्टेंट नंबर कौन कौन है वो देखिए तो कांस्टेंट को ये ऊपर का न्यूमरेटर कांस्टेंट है 3 नीचे का 5 डिनोमिनेटर कांस्टेंट है राइट सो 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा सिंपली डेरिवेटिव बाहर करो सो 3/5 cos बाहर करो 3/5 ओके इनटू d/dx ऑफ अब डेरिवेटिव फिक्स कर लेना है आपको इनटू d/dx ऑफ रेमिंग कोड बचेगा देखो 1/ ऊपर कुछ भी नहीं हम 3 को बाहर गए सो कुछ भी नहीं कितना है न्यूमरेटर एज 1 सो इसको क्या लिखना है क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर 5 राइट अगर आपके पास ऐसा है रूट x तो आप क्या लिखते इसको 1 1 2 राइट ना अगर आपके पास ऐसा है तो क्या लिखते हैं इसको x टू द पावर कितना है x टू द पावर कितना है x टू द पावर 2/3 क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर सो इसको हम x टू द पावर 2/3 लिखेंगे इसको कैसे लिखना है अब देखिए इसको कैसे लिखना है 3/5 इनटू d/dx ऑफ इसका डेरिवेटिव लेना है मुझे तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 1 अपॉन अभी तो डेरिवेटिव लिया नहीं मैंने d/dx अप्लाई नहीं किया सो 1 अपॉन ये इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर 5/3 कोई प्रॉब्लम नहीं इसका पावर 5 था क्यूब रूट था सो 1 अपॉन 3 तो हो जाएगा 5/3 राइट ये 5/3 कैसे नीचे पॉजिटिव अगर वो उसको मैं ऊपर लेता है टोटल ब्रैकेट तो पॉजिटिव 5/3 का क्या हो जाएगा नेगेटिव 5/3 सो 3/5 इनटू d/dx ऑफ अभी भी मैं वैसे टाइप उसी ब्रैकेट को सेम लिखना ओनली माइनस 5/3 ओके सो एज इट इज नाउ अब इसका डेरिवेटिव लेना है x टू पावर n तो ये क्या हो जाएगा नीचे उतर जाएगा अब डेरिवेटिव लेना है मुझे तो ये क्या हो जाएगा 3/5 इनटू माइनस 5/3 जाएगा माइनस 5/3 इनटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर माइनस 5/3 उसमें से माइनस 1 और इसका भी डेरिवेटिव इनटू d/dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 डेरिवेटिव लेना पड़ेगा उसका सो क्या आएगा तो नेक्स्ट देखिए 3/5 एंड माइनस 5/3 5 में गेट कैंसिल मल्टीप्लिकेशन 3 गेट कैंसिल यहां का प्लस 1 यहां का माइनस 1 क्योंकि माइनस सो प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 सो यहां पे डायरेक्टली क्या लिखना है आपको dy/dx इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1 मींस माइनस n देखिए ओनली माइनस ऑफ this bracket 2x square minus 7x minus 5 to the power minus 5/3 minus 1 so I got minus 5/3 3 into 1 to minus 3 divided by 3 minus 5 minus 3 minus minus plus but greater number on the sign greater 5 uska sign so I got minus 8/3 so this will become minus 8 upon 3 इनटू उसका भी डेरिवेटिव लेना है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 सो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना था देखो इनटू d/dx ऑफ सेपरेट करके देता हूं मैं d/dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस d/dx ऑफ 7x माइनस d/dx ऑफ 5 राइट सो आगे करोगे आपको आपको मिलेगा that is dy by dx equal to
minus of 2x square minus 7x minus 5 to the power minus 8 by 3 into a 2 नीचे उतरने वाला है 2 into 2x to the power 1 2 minus 1 करें तो 1 आए लिखने की जरूरत नहीं minus 7x करें तो 7 minus 5 constant है देर तो 0 तो ये आएगा minus देखो 2x to the power 2 minus 7x minus 5 2 the power minus 8 by 3 into 2 to the 4x minus 7 अगर मैं इसको नीचे लेता ये minus 8 by 3 इसको नीचे लेता तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा सो ये ब्रैकेट न्यूमरेटर को एज इट इज रहेगा minus 9 एज इट इज डिवाइडेड बाय और ये डिनोमिनेटर को बन जाने वाला है ये ब्रैकेट So 2x square minus 7x minus 5 to the power 8 upon 3. Here 4 dy by dx is equal to as it is this. This is the final answer. Okay. I hope आपको समझ में आया होगा. बहुत simple question है. जो भी constant है वो पहले मैंने बाहर निकाला. उसके बाद जो अंदर है उसका derivative, उसका derivative लेते समय ये यहाँ पे क्या है adjustment किया है मैंने. इसका bracket का rest of form कितना है 5 by 3. ओके क्योंकि इसका क्यूब रूट है इसका पावर 5 था डिवाइडेड बाय इसका क्यूब रूट है सो 1 / 3 5 * 1 / 3 मींस 5 / 3 हो जाएगा और 5 / 3 को मैंने क्या किया सिंपली ऊपर ले आया न्यूमरेटर को दैट इज -5 / 3 हो गया उसके बाद उसका डेरिवेटिव अगर इसका डेरिवेटिव लेना है हमें तो -5 / 3 - 1 पावर में से -1 करके बाद में इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा सो सब करके मेरे पास फाइनल आंसर ये मिला ओके तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं ओके एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अब हमें लास्ट क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 वाला लास्ट क्वेश्चन है सो लिखो under root of 3x minus 5 minus 1 upon under root of 3x minus 5 to the power 5 to the power 5 तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए इसको कैसे सॉल्व करता हूं y is equal to कौन सा आपके पास y is equal to root of 3x minus 5 minus of 1 upon root of 3x minus 5 bracket to the power of 5 right so इसको apply करना है हमें dy by dx okay derivative लेना है इसका with respect to differentiate with respect to x with h अगर हम इसका differentiation ले दे तो क्या मिल जाएगा हमें therefore dy by dx इसका derivative हमारे dy dx of इसको apply करो dy dx so square bracket under root of 3x minus 5 right minus 1 upon under root of 3x minus 5 bracket to the power 5 bracket close right now तो इसको क्या करना है आपको dy by dx is equal to dy dx of अभी तक मैंने derivative ले लिया देखो इसका और इसका multiplication root x into root x करो तो आपको आंसर मिलेगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो एक्स सेम सेम क्वांटिटी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा आपको रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव इंटू रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव सो मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन करना है सो आएगा थ्री एक्स माइनस फाइव ऊपर से माइनस वन डिवाइडेड बाय देखो नीचे क्या है अंडर रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव ब्रैकेट की पावर कितना आएगा 5 ओके इसका डेरिवेटिव हमें लेना है तो कैसे लेना है देखो मैंने इसके पहले आपको डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v का रूप सिखाया था राइट ना तो वो मैं अप्लाई करना है यहां सो व्हिच इज u एंड व्हिच इज v जो न्यूमरेटर है सो न्यूमरेटर इज u एंड डिनोमिनेटर और एक हो जाएगा आगे करो थोड़ा सा dy / dx इज इक्वल टू ये देखो d by dx अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया मैंने लेने वाला हूं मैं 3x
minus 5 minus 1, so I got minus 6 upon under root of 3x minus 5 to the power 5. So derivative of x to the power n is calculated. So we will go 5 into 3x minus 6 upon under root of 3x minus 5. 5 is 1, then we will get 5 minus 1. So 4 is derivative into derivative of bracket में जितना भी quantity सबका derivative हमें लेना है. So derivative of 3x minus 6 upon under root of 3x minus 5. Okay, इसका भी derivative हमें लेना पड़ेगा. तो वो derivative कैसे लेना है आपको? According to u over v formula. Derivative of u over v. So u by v का formula यहाँ पे apply करना है. So u by v का formula सब लोगों को मालूम है, right ना? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. Derivative of v by dx of u upon v is equal to v into derivative of first function means du by dx minus u as it is derivative of second function upon denominator ka square. ये वाला formula है, ये हमें apply करना है. Okay, तो ये वाला formula कैसे apply करोगा? चलो तो यहाँ पे apply करेंगे. मैं यहाँ पे लिखता हूँ समझो आगे 5 into 3x minus 6 upon under root of 3x minus 5 to the power 4 into ये देखो u and v. तो पहले v as it is रखना है आपको. सो देखो कैसा v as it is means 3x minus 5 as it is into d by dx of 3x minus 6 minus u as it is now means 3x minus 6 as it is into d by dx of v. V का derivative means under root of 3x minus 5 are equal to upon में क्या आएगा? Upon में आएगा v square. V square. V square means कौन है? Under root of 3x minus 5 का square. Okay. तो यहाँ जो है 5 into 3x minus 6 upon under root of 3x minus 5 to the power 4 into first as it is 3x minus 5. इसका डेरिवेटिव 3x minus 6 का 3x का डेरिवेटिव 6 का तो 0 है कांस्टेंट है माइनस 3x minus 6 into इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 upon 2 root of 3x minus 5, right ना? And इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. स्क्वायर रूट में जो है 3x minus 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा? That is 3 upon b square. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल. सो रहेगा ओनली 3x minus 5. यहाँ पे ठीक से करो 1 upon 2 root x and root x के अंदर जो है उस क्वांटिटी का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें. तो 3x minus 5 उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 3 आने वाला है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें? थोड़ा सा लेंदी बट इजी. नेक्स्ट स्टेप इज दैट व्हिच इज इक्वल टू 5 into this bracket as it is 5 into 3x minus 6 upon under root of 3x minus 5 to the power 4 into yeah, 3 into I know, right now 3 into 3x minus 5 minus what they take 3x minus 2 into 3 हो जाएगा 3 into 3x minus 6 इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में कौन है डिवाइडेड बाय 2 into under root of 3x minus 5 अपॉन में आएगा 3x minus 5 3x minus 5. अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इसका भी मल्टीप्लिकेशन करके रूपांतर. So I have 5 into 3x minus 6 upon under root of 3x minus 5 to the power 4. Okay.
इनटू यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आएगा 3 इनटू 2 6 रूट 3 x माइनस 5 इनटू रूट 3 x माइनस 5 3 x माइनस 5 माइनस 3 3 जान 9 x a माइनस एंड a माइनस प्लस 3 6 जान 18 अपॉन ये वाला देखो 2 इनटू रूट ऑफ 3x माइनस 5 इनटू 3x माइनस 5 ओके ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ये कितना आएगा दैट इज 5 इनटू 3x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 टू द पावर 4 इनटू और मल्टीप्लिकेशन पर थोड़ा सा आपको पता चलेगा 3 इनटू 6 18x माइनस 6 फाइव डॉट 30 माइनस 9x प्लस 18 अपॉन ये कितना आ रहा है 2 रूट ऑफ 3x माइनस 5 इनटू 3x माइनस 5 ओके चलो तो फिर आगे क्या आएगा आगे करेंगे दैट इज 5 इनटू 3x माइनस 6 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 to the power 4 into 18 minus 9 तो आएगा 9x minus 30 plus 18 minus 30 plus 18 minus 12 इन दोनों divided by 2 into root of 3x minus 5 into 3x minus 5 ओके इन दोनों को सबट्रैक्शन नहीं करना है लाइक टर्म्स नहीं और एक्सकेप करता हूँ और क्या करें और क्या करना है 5 इनटू 3x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 टू द पावर 4 इनटू दोनों से कॉमन कौन सो 3 एज ए कॉमन सो 3 कॉमन तो 3 3 जा 9 है माइनस 3 4 जा 12 अपॉन में क्या आएगा 2 इनटू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 इनटू 3x माइनस 5 ओके आगे एक स्टेप हो जाएगा और तो आगे क्या करना है हमें और एक स्टेप करता हूं देखो यहां पे 3 कॉमन निकलने की जरूरत नहीं क्योंकि कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है सो 9x माइनस 12 एज इट इज देखो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है which is equal to 5 into 3x minus 6 upon under root of 3x minus 5 to the power 4 into it is then under 9x minus 12 divided by इसका देखो 2 as it is आपके पास under root x into x है under root x का मीनिंग कितना है x to the power 1 by 2 इसका मीनिंग x to the power 1 अगर बेस सेम तो हम क्या करते हैं एडिशन x टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 1 तो कितना आएगा 2 अंदर 2 प्लस 1 3 बाय 2 है सो इसका भी वैसे आने वाला है दैट इज 3x माइनस 5 टू पावर कितना आने वाला है 3 बाय 2 ओके सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर आया समझ में आप लोगों को अभी ये पावर 4 यहां पे आप क्या कर सकते हो और ठीक है चलो कि कॉमन निकलने के बाद आएगा कुछ ना कुछ करेंगे फिर देखो 5 इनटू मैं क्या करता हूं 3x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 टू द पावर 4 यहां से 3 कॉमन बाय 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 3x माइनस 5 टू द पावर 3 बाय 2 एज इट इज चलो 3 बाय 2 कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करो 3 इनटू 5 तो कितना आएगा 15 15 बाय 2 इनटू ब्रैकेट एज इज इक्वल टू 3x माइनस 6 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 टू द पावर 4 इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 5 टू द पावर 3 बाय 2 आगे भी कर सकते हो आप और यहां तक करने का यहां तक कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आगे भी कर सकते हैं इसको पावर 4 दे दो इसका भी पावर 4 हो जाएगा ओके इसका 3 बाय 2 एक बार में दोनों का मल्टीप्लिकेशन आगे एक स्टेप कर सकते हो आप ओके
इसका पावर 4 बाय 2 ओके ये कितना आएगा इसका पावर कितना आएगा देखो ये स्क्वायर रूट में इसका भी पावर 4 हो जाएगा तो आगे किया तो भी चलेगा नहीं किया तो भी चलेगा सो दिस इज योर फाइनल आंसर आई होप आपको ये 6 एग्जांपल बहुत अच्छे तरह से समझ में आए होंगे सो फिर से एक बार रिवाइज करो उसको सॉल्व करो तो आपको समझ में आएगा डिफिकल्टीज कहां पे आती है वो आपको समझ में आएगा और बाद में आप इसी टाइप के सिंपल सॉल्व कर सकते हो ओके चलो बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू बाय एवरीवन ओके